क्या आपको YouTube के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है? क्या आपको व्यूज और लाइक्स के लिए प्रॉब्लम है? क्या आपके वीडियो पे वॉच टाइम और एंगेजमेंट नहीं आ रहा है? और फाइनली आपके पास सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं? तो जिनके पास ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो में हम इन चारों टॉपिक पे बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपने YouTube अकाउंट पर आ जाते हैं और पहले नंबर पे हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें अच्छा कंटेंट कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज का आपने कोई नेच सिलेक्ट किया है या आप एक स्पेसिफिक वे में YouTube का चैनल चला रहे हो, तो आपका नेच क्या है या आपने उसमें कौन सा सब्जेक्ट या कैटेगरी सिलेक्ट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने डिसाइड कर लेनी है और बनाया होगा तो डिसाइड कर ली होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो नेच है उसके हिसाब से जो चैनल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप से मुझे वीडियो बनानी है, तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप को सर्च करना है और फोटोशॉप में जो भी वीडियोस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उनमें आप को जिस कंटेंट पे वीडियो बनानी है उस वीडियो को स्पेसिफिक यहाँ पे सर्च कीजिए और वहाँ से आप अपना कंटेंट लीजिए। अब यहाँ तक आके आप इस पे ये सोचने लग गए होंगे कि इससे क्या हमें पता लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे ये चारों चीज डिस्कस करेंगे और एंड में आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ आपने ये वीडियो देखा और इसमें बहुत सी सजेशन मैं आपको प्रैक्टिकली दूंगा जो मैंने अपना चैनल अभी मेरा मोनेटाइज हुआ है उसमें मुझे क्या क्या चीजें हुई है, तो मैं आपको वो सब डिफाइन करूंगा। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको मोनेटाइजेशन, इसको पहले मोनेटाइजेशन बता देता हूँ चैनल की और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू दोबारा से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पे बहाल हो जाए। चलिए मैं अपने चैनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ क्रिएटिव स्टूडियो पे। तो मोनेटाइजेशन के रिलेटेड पहले मेरी बहुत वीडियो लगी हुई है, आप वो देख सकते हैं, आपको वो भी अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा चैनल 2 दिन पहले मोनेटाइज हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी मोनेटाइजेशन में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है जो 2 दिन पहले ही हुआ है। 4 चीजें तो मुझे आपको बतानी है और उसके अलावा भी मैं ट्राई करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मेरी टोटल वीडियो लगी हुई है 15, टोटल वीडियो लगी हुई है 15, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो 15 लगी हुई है और 15 वीडियो पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले नंबर पे है उस पर 58 व्यूज है ओनली और इसके ऊपर डॉलर साइन जो है वो क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पे कॉपीराइट भी है, फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। बहुत से मेरे को वीडियोस पे कमेंट मिले हैं और मेरे से ये पूछा है लोगों ने कि अगर हमारे चैनल पे कॉपीराइट होता है तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसका मैंने उनको जवाब दिया था कमेंट करके कि हाँ हो जाएगा, और यहाँ पे अब ये हमारे पास प्रूफ है कि ये देखिए कॉपीराइट अभी है फिर भी हमें जो है मोनेटाइज किया गया है। और उसके बाद देखिए, दूसरी वीडियो पे हमारे 50 व्यूज है अभी और तीसरी पे 658 है। इस तरह ये सब वीडियो है उस पे व्यूज आप देख पा रहे हैं कि 10,000 से लेके 500, 600, 2800, 1900 ऐसे है, ये 9,450 है, इस तरह हमारे व्यूज है। लेकिन टोटल वीडियो 15 पे ये मोनेटाइज हो गया है और राउंड अबाउट 1 मंथ और समथिंग में हुआ है। यहाँ पे एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा चैनल जब 20-25 दिन के बाद मोनेटाइज नहीं हुआ तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चैनल पे गया था और चैनल पे जाके मैंने एक चीज की थी, हो सकता है वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो। यहाँ पे मैंने ये हेल्प एंड फीडबैक को क्लिक करके, जब आप को मोनेटाइजेशन अभी 1 महीना हो गया नहीं हो रही है या उसके आसपास है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंड फीडबैक को क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप डिफाइन कीजिए कि मेरे चैनल को
रिव्यू में इतने दिन हो गए और मेरा अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको स्क्रीनशॉट देना है। अब इसका पैटर्न क्या है कि जिसने यूज किया है तो उसको मालूम होगा, नहीं किया तो नहीं मालूम होगा। ये इस तरह करता है कि इसको आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इतना में जितना भी आपने सिलेक्शन लिया है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा और फिर दोबारा से आपको जितना सिलेक्ट करना है कर सकते हो। इस तरह आपने दिखाना है कि हमारे व्यूज इतने हैं और हमारे वॉच टाइम इतना है और ऊपर जो है आपकी रिव्यू का शो कर देना है और ये मेल आप सेंड कर दें तो आपका उसके बाद फौरन एक हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक हफ्ता पहले भेजा था तो ये अब हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और जहाँ पे हमने छोड़ा था, तो हम आते हैं अपने इस पे फोटोशॉप पे। फोटोशॉप का हमें देखना है बैकग्राउंड रिमूवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल ये है और अगर आपका चैनल ये नहीं है तो आपका जो भी चैनल है उसके रिगार्डिंग आप सर्च करेंगे और यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट, आपको कंटेंट को क्या करना है, कंटेंट को आपको देखना है, वो वीडियोस देखनी है। जब यूट्यूब आप कर रहे हो तो आप समझो कि आप फुल टाइम यूट्यूबर हो और आपको होल डे पूरा दिन आपको यूट्यूब पे ही लगाना है। उसमें आप 4, 5, 6 घंटे कम से कम वीडियो देखते रहे और उसके बाद आप अपनी एक वीडियो बनाई है। अब यहाँ पे आपने जो वीडियोस देखी तो जब आप देख रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई कंटेंट हिट कर जाएगा, आपको क्लिक कर जाएगा कि ये मुझे इसकी वीडियो बनानी है और ये इजी मेथड है। अब यहाँ पे क्या किया कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 या 7, 10 वीडियो देखी है, 2 वीडियो देखी है, तो 2 में जो उन्होंने कटिंग का आइडियाज दिए हैं आप 2 वो अपने कॉपी पे राइट कर लो और फिर आपके माइंड में जो आइडिया है उसको भी वहां पे राइट कर लो। इस तरह आपने 4 आइडिया फॉर एग्जाम्पल टोटल कलेक्ट कर लिया या 3 कर लिया। अब उसको आप क्या करेंगे कि उनको मर्ज करके एक अच्छा वीडियो बनाइए और उसको वो आपका कंटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंटेंट के बाद अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ जो मैंने क्रिएटर एकेडमी और वगैरह इनके जो चैनल है वहां से सुनी है कि फर्स्ट 8 सेकेंड वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी वीडियो जैसे चलने स्टार्ट हो जाए, पहले मुझे पता नहीं था, तब मैं अपने वीडियो पे क्या करता था कि पहले लगा देता था इंट्रो तो वो 10 सेकेंड से 12 सेकेंड चलता था, लेकिन व्यूज तब भी आते थे। लेकिन अब आप इस चीज को फॉलो करो क्योंकि मुझे मालूम लगी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इससे फायदा मिलेगा तो मुझे आप जरूर लाइक करेंगे। तो इसलिए आप पहले 8 सेकेंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आप क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे वो डिफाइन कर दीजिए कि आपकी वीडियो किसके बारे में है और अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर दीजिए। आफ्टर दैट हमारा ये कंटेंट वाला मैटर अब सोल्व हो चुका है। अगर इस पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम सेकंड पे आते हैं टॉपिक पे, हमें व्यूज और लाइक्स किस तरह मिलेंगे। दोस्तों जो व्यूज हम बोलते हैं तो व्यू का मतलब है कि कोई भी हमारी वीडियो को अगर क्लिक करके 1 सेकंड भी देखता है तो वो व्यू काउंट हो जाता है, और वॉच टाइम अगर वो हमारे वीडियो को 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड इस तरह देखता है जो भी है वो हमारा कलेक्ट करके वॉच टाइम बनता है। अब यहाँ पे हमें यह सीखना है कि हमारे जब वीडियो YouTube पे पब्लिश होती है तब हमारे पास जो ऑडियंस होती है वो हमारा थंबनेल और उसके बाद हमारा टाइटल पढ़ के क्लिक करती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाइए और टाइटल उसका बहुत ही अच्छा और आपकी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग 1-2 वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा और उसके बाद जब उसने हमारी वीडियो को क्लिक कर दिया तो अब हमें क्या होगा कि हमने पहले 8 सेकंड जो है वो बहुत अच्छे बनाने हैं। जब वो पहले 8 सेकंड से हमारे वीडियो से मोटिवेट हो जाएगा तो वो देखेगा थोड़ा और भी, तो हमारा यहाँ पे व्यू भी आ गया और वॉच टाइम भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया और कुछ हद तक हमारे वीडियो पे एंगेजमेंट आना स्टार्ट हो गई। और जब एंगेजमेंट आना स्टार्ट होती है
थर्ड नंबर पे कमेंट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरह करेंगे तो ये आपको फेवर करेगा। दोस्तों देखिए, जब आपने एक वीडियो में दो चीजें कर ली, जो पहले हमने डिफाइन किया है कि आपने एक चार आइडिया कलेक्ट करके एक अच्छा बैकग्राउंड रिमूवल का तरीका ढूंढा, नंबर वन। दूसरा, आपने उसको पहले 8 सेकंड को अच्छा बनाया, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है कि कम से कम आपकी वीडियो को वो क्लिक करेगा तो आपको व्यू मिल जाएगा। अब 8 सेकंड में उसको सब्जेक्ट अच्छा लगा और अट्रैक्शन कुछ दिखी तो वो आपको वीडियो वीडियो को भी देख लेगा, तो आपको क्या मिलेगा, व्यू और लाइक भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमारा तीसरा मैटर है कि हमें वॉच टाइम किस तरह मिले। तो वॉच टाइम के लिए जब आपका कंटेंट अट्रैक्टिव होगा तो ऑडियंस आपकी वीडियो देखती रहेगी। तो कंटेंट जितना अट्रैक्टिव आप कर सकते हैं उतना कीजिए, उसमें इधर उधर की ज्यादा बातें हमें नहीं करनी है, और कंटेंट ऐसा हो जो ऑडियंस के लिए फेवरेबल हो, मतलब ऑडियंस आपकी जो देख रही है उससे उसको कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला हो, जो देखने से उनको लगे कि हाँ ये वीडियो देखना हमारे लिए अच्छा था, तो आपको ऑडियंस की एंगेजमेंट मिलेगी। और जब ये पहले वाली तीन चीजें मिल गई ऑडियंस को, तो सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हो जाएंगे और बढ़ते रहेंगे, जो परमानेंट होंगे। और बाकी मेरे को मेरे जो है दोस्त वो ये भी लिखते हैं, और यहाँ पे बहुत से आपने देखा होगा कि सब टू सब चल रहे हैं। मैं बोलता हूँ गलती से मत कीजिएगा। अगर आपने गलती से भी कर लिया और आपने 3,000 भी और 4,000 भी सब्सक्राइबर ले लिए, तो जब आपका चैनल मोनिटाइज हो गया उसके बाद आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? कि जितने आपने सब्सक्राइबर लिए थे वो सब फेक थे और ओनली सब्सक्राइबर थे, उनको वीडियो नहीं देखने दिया आपकी। और जब आप मोनिटाइज हुआ है तो आपको अब देखने के लिए जो सब्सक्राइबर चाहिए वो है ही नहीं। इससे अच्छा है कि आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और अभी से मेहनत करोगे और अच्छा कंटेंट बनाना सीख जाओगे, वीडियो बनाना सीख जाओगे, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम फेवर करेगा। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और ये फेक सब्सक्राइबर लेके आप एक बार चैनल को मोनिटाइज कर दोगे, लेकिन मोनिटाइज के बाद आपको स्ट्रगल वही करनी पड़ेगी जो अब करनी है। तो अब करो या बाद में करो, डिपेंड करता है आप पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं कि मोनिटाइज हो जाए एक बार तो हम फिर खुद ही कर लेंगे। चलो अगर ऐसा करना है तो आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे को व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर का मैटर सॉल्व हो गया। और यहाँ पे अब मैं और एक आपको सब्सक्राइबर के लिए टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी वीडियो, इससे सब्सक्राइबर भी आपको मिलेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा, व्यूज भी मिलेंगे, सब तीनों चीजें साथ के साथ मिलेंगी। दूसरा पैटर्न अब ये करें आप कि आप अपने चैनल की जो वैल्यू है, अभी जितने सब्सक्राइबर हैं उसी रेंज के जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप फॉलो कीजिए। फॉलो मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके 500 हैं सब्सक्राइबर, तो 1,000, 2,000, 3,000 वाले को आप सब्सक्राइब करो, इसी रेंज में करो आप सब्सक्राइब, और उनको कमेंट करो। सब्सक्राइब अगर नहीं करते सबको तो आप उनको कमेंट करो, कमेंट करो उनकी वीडियो पे, लिख दो अच्छी है वीडियो, गुड है आपकी ये, इसमें कुछ अच्छा लगा, इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, जो भी है जेन्युइन लिख दो। उससे क्या हो रहा है कि जब एक छोटा चैनल है 500 वाला, मैंने तो 250 जिसके व्यूअर्स है उनको भी सब्सक्राइब तो किया, साथ में कमेंट भी किया, तो उसे क्या हुआ मुझे कि उन्होंने रिटर्न में मुझे भी सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट डाले, और अभी तक वो मेरे सब्सक्राइबर अवेलेबल है और अब मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो नए यूट्यूबर हैं वो बहुत ही इनिशियली कंजूसी करते हैं। अब उनको ये लगने स्टार्ट हो जाता है कि YouTube व्यूज लाइक करने से, देखने से पैसे मिलते हैं चैनल वाले को, चलो आप भी उसी लिए कर रहे हो,
फिर क्या करते हो, अपने फेवर के लिए भी वीडियो देखते नहीं है, देखते हैं कि चलो देखें नहीं देखें, इनिशियल में देख लो। अरे यार आपका क्या घाटा हो रहा है, आप देखो वीडियो, आप अपना फेवर देखो, सामने वाले को क्या फेवर मिल रहा है उसको छोड़ दो, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा उसको भी आप छोड़ दो, आप अपना फेवर देखो और अपने फेवर के लिए वीडियोस को देखो और लाइक करना सीखो। क्योंकि आप देखो वेस्टर्न वाले या जो भी चैनल है वो कभी भी कोई भी चीज होंगी उसको अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, उस पर कमेंट डालेंगे। हम क्या करते हैं कि ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं किसी और चैनल को, और बोलते हैं कि हमें सब्सक्राइबर मिल जाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपको करना सीखना है, करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको करना अच्छा ही है, आपके फेवर में। जब आपने कमेंट किया है तो वो आपके लिए रिटर्न में सब्सक्राइबर अगर बन जाता है, या रिटर्न में आपको कमेंट और लाइक करता है या व्यू देता है, तो आपको क्या फायदा ही होने वाला, नुकसान तो यहाँ पे है नहीं। और जब आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएगा वो, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हम सब्सक्राइबर को किस तरह देख सकते हैं। ये चैनल है, माई चैनल पे हम अगर जाते हैं, एक बार फिर से हमें क्रिएटर स्टूडियो पे ही चलना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, देखिए अब यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे मैं आता हूँ। तो क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद ये है कम्युनिटी, कम्युनिटी में फर्स्ट आप देखिए, आप यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे सब्सक्राइबर है, आप उनको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, उनके वीडियो देख सकते हो, तो आपका एक रिलेशन बन रहा है। इसके अलावा मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपका चैनल बहुत छोटा है तो आप किसी को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का कोई फैन होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इसका फैन हूँ, किसी फेवरेट एक्टर का, या तो इस तरह किसी को फॉलो कीजिए, एक को दो को चार को, लाजमी नहीं है कि एक को ही करें, और उनसे एक कम्युनिकेशन बनाए रखिए। और अगर वो अभी 500 से निकल के 1000 में गया है, तो वो हो सकता है आपको 500 से निकलने में हेल्प कर सके, और अगर वो 1000 से 10000 में गया है, तो हो सकता है वो आपको 1000 से 10000 वाली गाइडलाइन दे सके। क्यों? कि जिसने जितना यहाँ पे टाइम लगाया है उसने कुछ ना कुछ सीखा है, और वो अगर आपको, आपका रिलेशन उससे अच्छा बनता है, तो वो आपको वो चीजें फराहम करेगा। तो दोस्तों होपफुली ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अगर इसके अलावा आप कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करो तो फिर एक चीज़ और भी कर दो कि कमेंट में बता दो कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है, तो पहले से मेरी वीडियो YouTube रिलेटेड बहुत लगी हुई है, 5, 7, 10 लगी हुई है, वो आप देख सकते हो। उसमें भी इस तरह की गाइडलाइन है जैसे यहाँ पे आपको मैंने दी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक यहाँ से मैं आपको फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता हूँ, होपफुली आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊंगा, और आपको जितनी हेल्प होगी पर्सनली जो भी होगी, आप मुझे कमेंट के थ्रू, या अभी यूट्यूब पे तो हम जो है किसी को ऐड भी कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे जस्ट लाइक ए फ्रेंड, तो उसको हम ऐड करके भी हम कमेंट चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये आज की वीडियो के लिए बहुत है, और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, टिल बाय बाय।